7 बजे से वोटिंग शुरू हुई थी जो कि 6 बजे तक चलेगी। फिलहाल जो आंकड़ा है वो आपके सामने, 3.5 घंटे पूरे हो चुके हैं वोटिंग के। हरियाणा में अब तक 8.92% मतदान हुआ है। पुढ़ाना में इस समय सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, 18.90%, और सबसे बड़े कवरेज के साथ हम लगातार सबसे आगे बने हुए हैं। हर तस्वीर, हर आंकड़ा, हर अपडेट सबसे पहले पहुंचा रहा है टोटल न्यूज। इस समय 90 विधानसभा सीटों के लिए शाम 6 बजे तक वोटिंग लगातार जारी है। 3.5 घंटे पूरे हो चुके हैं वोटिंग के और 8.92% अब तक मतदान हो चुका है। सबसे ज्यादा मतदान पुनाना में, 18.90%, सबसे बड़े कवरेज के साथ हम लगातार बने हुए हैं। बड़े बड़े चेहरों की किस्मत आज दांव पर, कहां पर कितनी वोटिंग हुई है ये भी आप तक पहुंचा रहे हैं और अपील भी कर रहे हैं कि वोट जरूर डालें। और सावित्री जिंदल पहुंच चुकी है हिसार, वहां पर वोट कास्ट करने के लिए। बड़ा नाम, बड़ा रसूख सावित्री जिंदल का, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं। हिसार में दबदबा रहा है जिंदल परिवार का। मौजूद है पूर्व मंत्री सावित्री जिंदल, अपने मताधिकार का इस्तेमाल सावित्री जिंदल ने किया। मैम, सबसे पहले तो वोटिंग को लेकर हरियाणा से अपील कर दीजिए। मैं पूरे हरियाणा से और स्पेशली हिसार वासियों से अपील करना चाहूंगी कि सब लोग अपने अपने मतदान का प्रयोग जरूर करें। वोट डालना आपका अधिकार है, कोई भी मतदान डालने से वंचित ना रहे, सबको वोट डालना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की स्थिति कैसी रहेगी पूरे हरियाणा प्रदेश में? कुमारी शैलजा ने भी वोट किया, आप भी वोट डाल चुके हैं, किस तरीके का माहौल हरियाणा में नजर आ रहा है और किस तरीके के परिणाम की उम्मीद? देखिए, कांग्रेस पार्टी की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। हमारी अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, शैलजा जी, सब कोई मिल के कांग्रेस प्रत्याशी जो भी हैं सबके लिए चुनाव प्रचार भी किया है और सब लोग लगे हुए हैं, तो जितनी मेहनत इन्होंने एक बार की है उस मेहनत का परिणाम बहुत अच्छा रहेगा। हिसार में क्या कुछ होने वाला है? हिसार में भी अब देख लीजिएगा, बदल जाएगी सरकार, बदल जाएगी, कांग्रेस की आ जाएगी। मुझे बताइए कि वोटिंग को लेकर किस तरीके का रुझान लोगों में देखने को मिल रहा है, खासकर हिसार के लोगों में कितना उत्साह? देखिए, हिसार के लोगों में बहुत उत्साह है, तो सब लोग बदलना तो चाहते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि बदल जाएगी। सब लोग डाल रहे हैं वोट, अब इसका ये तो पता नहीं चलता कौन किसको डाल रहे हैं, जब रिजल्ट आएगा पता लगेगा, आप लोग भी देखिएगा। ये 75 पार का जो शोर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मचाया गया, तो आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की स्थिति इस 75 पार के शोर के बीच किस तरीके की रहने वाली है? देखिए, कांग्रेस की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, हो सकता है कांग्रेस सरकार भी बना ले, लेकिन बोलने से क्या होता, मैं आज बोल दूं कि हम 90 पूरे के पूरे हम लोग ले जाएंगे, तो ऐसे नहीं होता। बहुत सारी पार्टियां हैं, तो सब लोग अपनी अपनी तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, तो इतना तो नहीं होगा इनका, कांग्रेस की सरकार बनेगी अब क्या हरियाणा में। चुनावी बंदिशें हैं, लेकिन इतना जरूर पूछ लेता हूं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में क्या कुछ आपको सबसे बड़ा खड़ा हुआ नजर आ रहा है कि ये वजह है कि कांग्रेस पार्टी को लोग वोट करें? कांग्रेस पार्टी की सरकार ने जब 10 साल मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे, उन्होंने बहुत विकास के काम कराए थे, और उसके बाद आप लोगों को मालूम है 5 साल में जो विकास के काम हुए। तो दावे सबके अपने अपने, सावित्री जिंदल से बात कर रहे हमारे सहयोगी महेश जी हैं, तो बहुत इन्होंने मेहनत की है, ये 1.5 महीने के अंदर का मतलब मैं शकमान बना ले नहीं तो लोग जिसे कह रहे थे कि कोई कह रहा था कि 5 आएंगे, कोई 10, अब मतलब रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा सामने, 4 दिन के बाद आपको पता लग जाएगा। चलिए, टोटल न्यूज से बातचीत के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो साफ तौर से सावित्री जिंदल की तरफ से बात सामने रखी जा रही है, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, वो साफ ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जनसमर्थन देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि वो अगली सरकार बनाने का दावा भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से सामने रखा। तो सावित्री जिंदल एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम हिसार का, बात कर रहे थे हमारे सहयोगी महेश।